असला वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फाइनली के पी की केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने के पी के का ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर का बजट अनाउंस कर दिया विच इज हंड्रेड एंड सिक्सटी टू बिलियन रुपीज़ इन टोटल बट दैट इज जस्ट फॉर फोर मंथ्स यानी कि फर्स्ट जुलाई से लेकर इकतीस अगस्त तक इस्तेमाल में लाया जाएगा इसमें से कितना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर स्पेंड किया जाएगा कितना नॉन डेवलपमेंट सेक्टर में स्पेंड होगा इसी बजट को लेकर सब वेट कर रहे थे कितना कंस्ट्रक्शन के शोबे में स्पेंड किया जाएगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं पेंडिंग हैं आई नो खास तौर पे लोग ये नोटिस करने आए हैं इसी के साथ लेटेस्ट फ्रेश अपडेट्स भी शेयर कर देंगे पोइलिन के सामने आपको बॉर्ड्री ग्रिल दिख रही होगी साथ ही में क्लैडिंग शीट वर्क जो हुआ है वो भी कवर हो जाएंगी सो एक तरह से आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा रहे ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अच्छा स्टार्ट मैं बजट के वाले से थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूँ फिर लेटेस्ट अपडेट पर फोकस कर लेंगे एंड फिर बाकी जो मोर डिटेल्स हैं बजट के वाले से वो वीडियो के थ्रू आउट मैं शेयर करता जाऊंगा so, आखिर तक जुड़े रहिएगा और प्रीवियस वीडियो में ड्रोन व्यू भी कवर हो गया था आफ्टर बोथ स्क्रीन्स का। अच्छा, पहले तो कंट्री में जो हालात चल रहे हैं को कर, को कर, वो आपको सबको पता है पहले तो बजट अनाउंस नहीं हो पा रहा था फिर टोटल फेडरल ने ट्रिलियन रुपीस इस हाकडार ने जिसको तमाम तर में किया गया के पी रहता था बलोचि आजाद कश्मीर गिल्ध मेरे ख्याल में पंजाब और बलोचिस्तान का भी आज अनाउंस होना था सिंध के तो सीएम है मुराद अली उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी मामला इस साइड पंजाब बलोचिस्तान और केपी साइड पे खराब है केयर टेकिंग गवर्नमेंट की वजह से मेरे ख्याल तो मुझे यही लगता है बाकी पोलिटिकल चीजों का मुझे इतना इलम है नहीं ना मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ क्यों इतना डिले हुआ बजट वगैरह खैर पंजाब में तो गवर्नमेंट है नहीं के पी साइड पर भी नहीं ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन अनाउंस किए थे बल दिया थी वो नहीं हो पाए उस पर तो काफी टाइम गुजर गया अब तो जनरल इलेक्शन का टाइम आ चुका है तो खैर अल्लाह अल्लाह करके ये चार मंथ्स का सिर्फ बजट अनाउंस हो गया ये भी बड़ी बात है उसके बाद फिर देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट के पी के प्रोवेंस का चार महीनों का बजट फोर सिक्स टू बिलियन रुपीज में से थ्री फिफ्टी बिलियन रुपीज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में आएंगे जबकि एक सौ बारह बिलियन रुपीज डेवलपमेंट में आएंगे ये समान न्यूज ने कोर्ट किया है आज काफी बड़ा इजलास भी हुआ केयर टेकिंग गवर्नमेंट के पी में और उन्होंने इस बजट के वाले से सारी इन्फॉर्मेशन दी बाकी किस डिपार्टमेंट में कितने कितने पैसे स्पेंड किए जाएंगे वो मजीद डिटेल्स आपको मतलब बारीकी में जाननी है तो सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा ए टू जी सारी चीजें मैंने शेयर कर दी है मतलब अगर जिनको ये भी जानना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है पेंशन कितना ज्यादा हुआ है दूसरे सेक्टर्स में कितने पैसे लगाए गए हैं तो वो जस्ट एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्लिक करके सारी डिटेल्स रीड कर लीजिएगा उनको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में वो केपी के लोग ज्यादा जानना चाहेंगे बाकी लोग आई नो ये लेटेस्ट अपडेट्स देखने आए हैं आज की फ्रेश ये भी मैं शेयर कर देता हूँ और बाकी स्पोर्ट्स साइड पे अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स है उस साइड पे कितने फंड्स फिर अप्रूव होते हैं और टाइम के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे क्योंकि फंड्स को लेकर स्टेडियम में काम होता है जब फंड होते हैं अप्रूव हो जाते हैं तो स्टेडियम में काम भी तेजी से होता है ये सामने बाउंड्री गिल के बैक साइड पे आपको सारा टफ टाइल दिख रहा होगा ये पूरा थ्री स्टेडियम में लगाया जा रहा है स्टार्स के सामने और उसके बाद ये एक लाइडिंग शीट का वर्क इन भी मैंने पिछली वीडियो में कहा था जो ड्रोन वीडियो शेयर की थी कि क्लोज से अपडेट शेयर कर देंगे उसमें दिखा देंगे तो ये इन से भी इस तरह कवर हो रहा है इसके इसके फ्रंट पे जो स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है तीसरी स्क्रीन के बारे में पैरामीटर स्क्रीन साइड स्क्रीन डिजिटल बाउंड्री वगैरह के बारे में जो इन्फो शेयर की गई थी वो अभी अप्रूव हुए तो नहीं है सजेशन दी थी लेट्स सी अगर ये चीज़ें अप्रूव होती हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे अगर इसके फ्रंट पर ये पैरामीटर स्क्रीन आ गई तो क्या ही बात होगी क्योंकि अक्सर आप स्टेडियम्स में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ऊपर वाली टर के फ्रंट पर जो एरिया होता है उसमें स्क्रीनस लगी होती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है इससे पी साथ में गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और दूसरा ये कि रेंट पर बार बार स्क्रीनें नहीं मंगवाएंगे बाकी तो इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड वन एंड ये सामने इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड टू लेफ्ट एंड राइट साइड पर बहुत इंस्टॉलेशन कम्पलीट हुई इनके अलावा भी डिजिटल चीज़ों को लेकर खास तौर पर जो स्क्रीनस का मैंने मैंशन किया है इसको लेकर फंडस अप्रूव होते हैं तो वो अपडेट कर दिया जाएगा लेकिन फिलहाल ये स्टेडियम की लेटेस्ट सिचुएशन है ग्रास ग्रासा ग्रीन तो हो रहा है लेकिन जो पेंडिंग काम है वो डिपेंड करेगा आने वाले बजट्स एंड फंड्स को लेकर किस साल ये फिनिश किया जाता है किस तरह से काम होता है फिलहाल तो दोनों स्क्रीनस का काम फिनिश हुआ उसके बाद मजीद भी थोड़ा बहुत काम आपको रिज्यूम होता हुआ दिखा लास्ट टाइम में चेयर्स को लेकर एंड जो क्लैडिंग शीट का काम मैं है आपको मैंने अभी स्टार्ट में दिखाया साथ ही में बाउंड्री ग्रिल का जो पोलियन के फ्रंट पे आया वो भी आगे मैं ऐड कर रहा हूँ कंटिन्यू रखी वीडियो को सो ये काम तो स्क्रीन के साथ रिज्यूम हुआ था लेकिन अब फिर ईद आ गई है एंड अब फिर से जो मज़दूर है उनकी तो छुट्टी हो जाएगी ईद के लिए एंड बाकी भी काम ईद के बाद फिर उस तरह से रिज्यूम होगा बाकी जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें स्पेसिफिकली स्टेडियम्स के लिए तो कुछ मैंशन नहीं किया गया हाँ पिछले साल जो मेरे ख्याल में एक बिलियन समथिंग लाइक दैट पूरे साल का बजट था के पी प्रोवेंस का जो फाइनेंस मिनिस्टर हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर खान जगड़ा ने अनाउंस किया था उन्होंने खासतौर पर हयात आबाद एंड अरबाबनिया क्रिकेट स्टेडियम के लिए स्पेसिफिकली बजट्स मैंशन किए थे लेकिन इस साल तो ये सिर्फ चार मंथ्स का अनाउंस हुआ है और उसमें भी इस तरह स्पेसिफिकली मैंशन नहीं किया गया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर या कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स को लेकर सिर्फ बड़ा बड़ा बजट के बारे में बता दिया गया बाकी एजुकेशन साइड पे एंड जो मैंने आपको कहा कि डिटेल्स जाननी तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें यहाँ पे वो सारी चीजें ऐड करने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी

रिजूम हुआ थोड़ा सा लेफ्ट साइड से कवर हुआ एंड थोड़ा सा इस साइड से लेकिन पोइलियन के जो बीच में एरिया है ये अभी छोड़ा हुआ है यहाँ से प्लेयर्स एंटर होंगे पोइलियन पिच की साइड आएंगे तो उसका आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट करेंगे कि उस साइड पे किस तरह से बाउंड्री ग्रिल को फिनिशिंग टच दी जा, दी जाती है सो so ये अपडेट भी कवर हो गई है ईद में अब थोड़े से दिन रह गए हैं सो so ईद के बाद जब रिज्यूम होगा एंड बजट के हाले से मजीद इन्फो निकल के आएंगी न्यूज आएंगी कि स्पोर्ट्स सेक्टर में या अंडर कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उस साइड पे कितने पैसे दिए जाते हैं तो उसी हिसाब से काम फिनिश किया जाएगा लेट्स होप के पी गवर्नमेंट इस साइड बजट प्रोवाइड करें एंड इसको फिनिश करें दिस ईयर आई नो काफी डिले हो गए काफी नहीं बल्कि बहुत डी ले हो गया सो so, अभी के बाद ही अच्छी न्यूज एक्सपेक्ट की जा सकती है काम की फिनिशिंग को लेकर अदरवाइज स्टेडियम में इतना काम है नहीं ऑलमोस्ट सारा बड़ा काम फिनिश हो गया है स्क्रीन इंस्टॉलेशन भी रिसेंटली फिनिश कर दी एंड आउटफील्ड भी रेडी है बस और मीडिया बॉक्स के इन को रेडी करें तो मैचेस को पॉसिबल बनाया जा सकता है स्क्वायर विकेट एरिया पिचेस भी रेडी है एक पिच तो ऑलमोस्ट ये रेडी भी कर ली गई थी इस पर रोलर वगैरह फिराया गया था सो so, मैचेस टेस्ट किए जा सकते हैं डोमेस्टिक सीजन शुरू हो रहा है उसे स्टार्ट लिया जा सकता है और केपी गवर्नमेंट के साथ साथ पीसीबी को भी एटलीस्ट चाहिए कि वो यहाँ पे मैचेस होस्ट करेगा फ्यूचर में तो कुछ तो साइड स्पेंड करे पीसीबी का अपना बजट अनाउंस होता है हर साल और दूसरा पेशावर जलमी का होम ग्राउंड है सो जावेद अफरीदी को कई बार मैंने टैग भी किया ट्विटर पे कि ये थोड़ा सा काम रिमेनिंग है लटका हुआ इसकी वजह से जस्ट फिनिश करें इसको और यहाँ पे मैचेस लाए पी एस एल के अक्सर वो ट्विटर पे ट्वीट्स करते हुए नज़र आते हैं इस साल भी एज ऑलवेज हमेशा की तरह उन्होंने ट्वीट्स किए और कहा कि पेशा जलमी के, के होम मैचेस हम पशावर साइड पे लेके आएंगे चाहे वो हैतराबाद में हो या बाबनिया साइड पे हो इसीलिए भी उन्होंने पहली बार यहाँ हैबाद क्रिकेट स्टेडियम साइड पर वो पिशा जलमी टैलेंट भी हंडल करवाएं हक बाबर आजम कामरान नकल और मोहम्मद हारिस वो सब जो आए थे रिसेंटली दूसरा नजर सेठी तो खैर अब वो चले गए हैं वो तो पिछले साल ही कह रहे थे कि कोयटा एंड पशावर को हम ऐड करेंगे अब जका अशरफ साहब आए हैं वो अपनी साइड से छोड़ते रहेंगे हर एक चेयरमैन आता है वो अपनी साइड से छोड़ता जाता है अब आप बताइएगा रमीज राजा फिट थे वो एज अ प्लेयर पी के चेयरमैन भी थे और उनके अंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी वन का सेमीफाइनल भी खेली थी एंड एशिया कप का फाइनल भी खेली और फिर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू का फाइनल भी खेली लेकिन उसके बाद फिर जब नजम सेठी आए और रातों रात उन्हें फारिग किया नजम सेठी भी रातों रात ही फारिग हो गए अब ये अजीब ट्रेंड चला हुआ है वैसे तो पी सी बी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेयरमैन को तीन साल पूरे करने चाहिए लेकिन यहाँ तो एक साल में तीन तीन चेयरमैन चेंज हो रहे हैं खैर उनके बाद नजम सेठी आए तो फिर नजम सेठी की लोग तारीफ़ें करने लगे रमेश राजा को भूल गए नजम सेठी को फिर ये क्रेडिट दिया कि वो एशिया कप के वाले से उन्होंने अपना केस अच्छा लड़ा और पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिली और उन्होंने इंडिया को मजबूर किया एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव करवाने करुण में और अब पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है एशिया कप तो जब यहाँ पर भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा करने लगी तो नजम सेठी को भी फारिग कर दिया आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है कि जब कोई चेयरमैन अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हटा दिया जाता है अब जका अशरफ साहब आए हैं भाई पॉलिटिक्स तो पीक पर है फिर कह रहा है कि हमारा कैंडिडेट आएगा एज़ चेयरमैन सो लेट्स सी कि इसका कोई इफेक्ट पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एशिया कप को लेकर खैर ऐसा कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और सारा मेरे ख्याल में इसी को वेट कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया या उन्होंने चेयरमैन हटा दिया अब जका अशरफ साहब फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे भाई ये बड़ा गन मचा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आई डोंट नो ये कब ठीक होगा लेकिन जहाँ जहाँ पॉलिटिक्स आएगी वहाँ पे गन मचता जाएगा लेट्स होप हो सब हालात ठीक हों मेरी इन सब बातों का मकसद ये था कि पी सी बी के पी गवर्नमेंट के साथ कॉपोरेट करे शौर जलमी के ओनर जावेद अफरीदी को तो एटलीस्ट कि वो पिछाड़ जलमी को ये होम ग्राउंड दे रहे हैं दोनों के पी गवर्नमेंट जो है पिशा जलमी को होम ग्राउंड देंगे तो वो कुछ अपनी साइड से कॉपोरेट करके इस प्रोजेक्ट को फिनिश करें खैर आप देखते हैं चेयरमैन नजम सेठी के बाद जका अशरफ क्या मजा छोड़ते हैं हवा में इन स्टेडियम को लेकर एन पी एस एल के मैच को पिशा एंड कोयटा में कराने को लेकर इन दैट केस नो डाउट नजम सेठी बहुत आगे थे रमीज राजा एंड जका अशरफ से वो तो पिछले साल भी एग्जीबिशन मैच करा गए थे कोयटा में उस स्टेडियम की हालत है क्या क्या होता है आपको अपडेट करते रहेंगे आप चैनल के साथ स्ट्रीट बोल रही है सोशल मीडिया फॉलो कर ली वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज